हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसका मॉडल नंबर है FX991MS। तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से मैट्रिक्स का एडिशन करना आज मैं सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है एंड एक बी मैट्रिक्स गिवन है। तो कैसे हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कराएंगे और कैसे हम इसका एडिशन करेंगे, ये आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ एक मॉड बटन है। मॉड बटन में ही सारे फंक्शन गिवन होते हैं। तो सबसे पहले हमको मॉड को 3 times प्रेस करना है, 1, 2 and 3। 3 times प्रेस करते ही आप देखिए MAT2, मतलब दैट मीन्स मैट्रिक्स को यदि एक्टिवेट करना है तो हमें 2 प्रेस करना पड़ेगा। तो हमने 2 प्रेस किया। 2 प्रेस करने के बाद अब आपको करना क्या है, शिफ्ट, ये ब्राउन से शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट और 4 को प्रेस करेंगे। तो डायमेंशन, हर मैट्रिक्स की एक ऑर्डर होती है डायमेंशन, सबसे पहले हमको वो पुट कराना है। तो डायमेंशन 1, तो 1 प्रेस करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। तो यदि हमें ए की वैल्यू इंसर्ट कराना है तो ए के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, 1। तो 1 प्रेस करते ही अब ये मैट्रिक्स की ऑर्डर पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या है। तो ए मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, यहाँ 2 by 2, 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो हमें कैसे प्रेस करने पड़ेगा, 2 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल का साइन, फिर हम 2 प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन। अब आपको पता है कि जो 2 by 2 मैट्रिक्स है इसमें जो पहला लेटर होगा वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, A11 से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमें पता ही है कि फर्स्ट रो में क्या होगा, A11, A12, A21 एंड A22। तो यहाँ मैट्रिक्स ए में A11 की पोजीशन पे कौन सा लेटर, कौन सा डिजिट लिखा है, 1। तो हम क्या प्रेस करेंगे, 1, फिर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देखिए अब A12 के पोजीशन में क्या लिखा है, 2, फिर इक्वल का साइन प्रेस करिए। A21 की पोजीशन पे क्या है, 3, फिर इक्वल का साइन प्रेस करिए। और A22 की पोजीशन पे क्या है, 4, और इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट करना है। तो अगेन आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंड 4, फिर डायमेंशन पूछ रहा है तो डायमेंशन के लिए हम 1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमें मैट्रिक्स 2 की वैल्यू इंसर्ट कराना है तो हम 2 प्रेस करेंगे। अब इसका डायमेंशन क्या है, 2 by 2 है, तो 2 equal 2 equal। अब देखिए यहाँ B11 की पोजीशन पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 पुट कराएंगे। फिर B12 के पोजीशन पे क्या है, 6 है, तो 6 पुट कराइए। फिर B21 की पोजीशन पे क्या है, 9 पुट कराएंगे। फिर B22 की पोजीशन पे है 11, तो हमने 11 पुट करा दिया। ठीक है, इस प्रकार अब ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट हो गई। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अगेन शिफ्ट एंड 4 प्रेस करेंगे। अब देखिए MAT3, तो हम 3 पुट करेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स ए बी सी है ना, तो हमें मैट्रिक्स ए लेना है। तो ए के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे। और मैट्रिक्स बी का हमें क्या करना है, एडिशन करना है ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे और फिर अगेन शिफ्ट एंड 4 प्रेस करेंगे। मैट्रिक्स में 3 प्रेस करेंगे, अभी 2 मैट्रिक्स लेना है तो 2 प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। सेंटेक्स एरर आ रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इसमें सारा आपने जो वैल्यू इंसर्ट करी है वो ऑलरेडी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, AC प्रेस करेंगे, अगेन शिफ्ट 4 और फिर क्या, मैट के लिए क्या है, 3, और 1 लेना है, मैट्रिक्स ए लेना है तो उसके लिए 1, फिर प्लस, फिर शिफ्ट 4 3, अभी मैट्रिक्स बी लेना है तो उसके लिए 2 और इक्वल का साइन प्रेस करिए। देखिए मैट्रिक्स A11 की पोजीशन पे क्या आया, 6, अब इसको प्रेस A12 के पोजीशन पर 8। देखिए तो क्या आंसर आ गया इसमें, A11 में 6 8, और फिर इसको प्रेस करते चलिए A21 की में 12,
और A22 में 15। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी सेम कर सकते हैं। अब सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप माइनस को प्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शिफ्ट और 4 प्रेस करेंगे, डायमेंशन 3 करेंगे, मैट्रिक्स ए मतलब 1, और फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर शिफ्ट 4 और डायमेंशन 3, और मैट्रिक्स बी लेना है उसके लिए 2 पुट करेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस ऑफ बी क्या निकला, माइनस ऑफ 4। ए 1 की पोजीशन में, ए 1 की पोजीशन में क्या निकला, माइनस ऑफ 4। ए 2 की पोजीशन में क्या निकला, माइनस ऑफ 6, और ए 2 की पोजीशन पे माइनस ऑफ 7। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर कैलकुलेटर की हेल्प से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।